पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के एक मैच में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने एक अजीब हरकत की। रिजवान अचानक उछलने लगे। मोहम्मद रिजवान क्रीज पर बल्लेबाजी करते करते अचानक शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के सामने जंप करने लगे। ये देखकर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थोड़े चौंक गए, लेकिन बाद में सभी हंसने लगे। इस घटना को देखकर 1992 के भारत पाकिस्तान मैच की यादें ताजा हो गई। इस मैच में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद ने विकेट कीपिंग कर रहे किरण मौर्य को चढ़ाने के लिए जंप किया था। दरअसल उस मैच में सचिन तेंदुलकर गेंदबाजी कर रहे थे और विकेट के पीछे किरण मौर्य खड़े थे। मियादाद क्रीज पर जमते जा रहे थे। तेंदुलकर की मीडियम पेस गेंदें थोड़ा परेशान कर रही थी। तेंदुलकर की लेग स्टंप की तरफ फेंकी हुई गेंद को मियादाद ने बल्ला लगाकर किनारे करना चाहा, लेकिन गेंद मिस हुई और मौर्य के हाथों में पहुंच गई। इसके बाद मियादाद झल्लाकर किरण मौर्य के सामने उछलने लगे थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के पांचवें दिन टी के बाद मोहम्मद रिजवान और फवाद आलम फिर बल्लेबाजी करने उतरे। ये सेशन काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि इस सेशन में पाकिस्तान को विकेट बचाने के साथ साथ रन भी बनाने थे। जैसे ही रिजवान क्रीज पर उतरे तो वो कॉन्फिडेंट दिखे और वो जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान को मैच जिता देंगे। वो क्रीज पर वार्म अप करते दिखे, वो फील्डर के पास पहुंचे और वहां जाकर जोर जोर से उछलने लगे। ये देखकर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी हंसने लगे। हालांकि पाकिस्तान ये मैच हार गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।